I'm waiting. हेलो, तो अभी मैं लाइव जाने वाली हूँ मूवीज़ अड्डा के साथ, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हेलो उर्वशी जी, हेलो तो उर्वशी जी, हेलो ज्योति जी, तो कैसी हैं आप? कैसी हैं कैसन आप? कैसन बा? बा? हम ठीक बा, आपन बताई? हम बढ़िया। हम किस बढ़िया। तरीके किस से आप तरीके से अपना आप दिन अपना व्यतीत दिन कर रही व्यतीत हैं, कर जाना रही हैं? चाहूंगी जाना मैं। चाहूंगी मैं। जैसा कि आप देख रही हैं, घर में रेडी होकर रहना डेफिनेटली खाना वाना बनाना चलते रहता है, वो तो मेरा फेवरेट काम है। फिर अपने लिए ड्रेसेस बनाना, अच्छा टाइम पास हो रहा है। लॉकडाउन में बहुत कुछ अपने लिए टाइम मिल रहा है। और तो और और तो आज आप और इतनी आज आप खूबसूरत इतनी भी लग रही है, खूबसूरत भी लगी, इंडियन इंडियन ट्रांसफॉर्मेशन पूरी ट्रांसफॉर्मेशन तरीके से पूरी नजर आ तरीके रहा है, से क्योंकि नजर आ रहा पिछले है, कुछ क्योंकि दिनों से पिछले जब कुछ हम दिनों से हम इतने बोल्ड इतने फोटो बोल्ड शूट्स फोटो देख रहे शूट हैं देख आपके, रहे हैं कुछ आपके, कहना कुछ चाहेंगे कहना उस चाहेंगे बोल्ड उस अवतार बोल्ड के बारे अवतार में? के क्योंकि बारे में लोगों को क्योंकि तो लोगों बड़ा को तो पसंद बड़ा आया है। पसंद आया है। लेकिन रियल उर्वशी यही है मुझे इंडियन ड्रेसेस बहुत ज्यादा पसंद है। बोल्ड फोटोशूट सिर्फ वो फोटोशूट के लिए होता है, बोल्ड लुक ऐसे मुझे बोल्ड लुक ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे इंडियन वेयर ज्यादा पसंद है। राइट। राइट। उसके अलावा उसके उर्वशी अलावा पूरा उर्वशी दिन पूरा कैसे दिन व्यतीत कैसे करती है? व्यतीत फैंस तो करती है? यही जानना फैंस तो चाहेंगे यही कि जानना उर्वशी चाहेंगे कि सुबह से उर्वशी लेकर सुबह शाम से तक लेकर कैसे शाम अपना तक दिन कैसे बिताती है, अपना क्योंकि दिन आधे बिताती ज्यादा है? लोग क्योंकि तो आधे बोर ज्यादा हो लोग रहे तो हैं। बोर हो रहे हैं। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नए नए डिशेस बनाते रहती हूँ, ट्राई करती हूँ, और यही ट्राई करती हूँ, उसके वीडियोस भी बनाते रहती हूँ ताकि मेरे फैंस को मैं दिखा सकूँ कि मैं खाना कैसे बनाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से कोई भी खाना बनाती हूँ और उसमें कुछ ना कुछ अपना तड़का जरूर ऐड करती हूँ। तो वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होते हैं, लेकिन लोगों को दिखाना है, अपने फैंस को दिखाना है, तो वो भी बनाकर एडिट वेडिट करने में भी टाइम जाता है। फिर अपने लिए ड्रेसेस बनाना तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम जाता है, क्योंकि उसको कटिंग करना है, स्टिच करना। और बस यही सब दिन में चल रहा है। और कुछ कुछ हाँ, गिटार सीखने पे अभी मेरा बहुत ज्यादा ध्यान है, तो मैंने अपने नेल्स भी कट किए हुए हैं उसके लिए, और गिटार के लिए बस हाँ गिटार के लिए, क्योंकि गिटार में नेल्स की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि उसके स्ट्रिंग्स जो पकड़ने होते हैं ना, तो उसमें नेल्स आपके आ जाएंगे तो स्ट्रिंग्स नहीं पकड़ पाओगे आप, इसीलिए क्योंकि स्ट्रिंग्स को दबाना होता है। तो और उसके लिए एक्सरसाइज भी होता है, ऐसे करके नाखून से अपने फिंगर को रेडी करना होता है, तो यही सब चलते रहता है मेरा। उर्वशी, मतलब आपको मतलब मल्टी आपको टैलेंटेड बोल मल्टी सकते हैं, टैलेंटेड क्योंकि बोल आप सकते गा हैं, क्योंकि सकती आप गा हैं, सकते आप हैं, डांस कर आप सकती डांस हैं, कर सकते आप हैं, खाना बना आप सकती खाना हैं, बना सकते साथ हैं, ही साथ आप साथ ही यू साथ नो आप यू नो फैशन डिजाइनिंग भी फैशन कर सकती डिजाइनिंग हैं, भी क्योंकि कर आप अपने सकती लिए हैं, क्योंकि कपड़े आप खुद अपने लिए डिजाइन कपड़े कर रही खुद हैं, डिजाइन कर आप रही हैं, किसी और को आप कुछ किसी और करने को कुछ देंगी या करने नहीं? देंगी या नहीं? हाँ डांस करने दूंगी, क्योंकि मुझे डांस नहीं आता पर जहां तक पर मैंने जहां तक देखा है मैंने कि देखा आप है फिर कि भी, आप फिर क्योंकि भी, अभी हाल ही क्योंकि में आप अभी गई हाल थी ही सबा में और मैं सोमी सबा और की सोमी की शादी, उनकी शादी सिस्टर उनकी की सिस्टर शादी की थी, शादी वहां थी, पर भी हाँ आप वहां काफी पर भी मस्ती आप करती काफी नजर आई, मस्ती तो करती वहां नजर का आई, तो कैसा वहां का एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस था? वहां का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा अच्छा रहा, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जयपुर गई थी, तो जी और राजस्थान जाना मेरा एक तरह से ड्रीम था, क्योंकि वहां क्योंकि राजा महाराजा जो होते हैं उनके जगह पे जाना, अपने आप को वहां एक बार सोचना उस जगह पे रखकर, राजपूती खून का मतलब वो सब चीज वहां दिखता है, तो इसलिए मेरा बहुत शौक था। और सभा दी के यहाँ जाकर मुझे वो चीज बहुत अच्छा लगा, और एंजॉय करने में बहुत मजा आया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग रियूनाइट हुए थे, तो बहुत मजा आया। ऑल्सो आजकल आप खाने आजकल की आप काफी खाने की वीडियोस काफी डाल रही है, वीडियोस डाल रही है, कुकिंग की काफी कुकिंग की वीडियोस आ काफी रही है वीडियोस आ आपकी, रही हैं तो आपकी, और क्या तो क्या और ऐसी क्या क्या डिशेस है ऐसी जो डिशेस उर्वशी है जो आने वाले दिनों उर्वशी में आने फैंस वाले को दिनों में बनाना फैंस को सिखाएंगे? बनाना क्योंकि सिखाएंगे? रिसेंट जो क्योंकि आपने वीडियो रिसेंट जो डाला आपने आई थिंक अपने वो समोसे समोसे का का वीडियो वीडियो था। था। हाँ, उससे पहले मैंने चाट का डाला था, और अभी मैं नमक पारा का डालने वाली हूँ वीडियो, क्योंकि अभी पता है क्या होता है कि घर में बैठे बैठे कुछ ना कुछ मन करते रहता है कि बस खाने के लिए मूड नहीं खाते रहे पूरा है टाइम। तो मैं वैसे फूडी टाइप हो गई हूँ, बस जाकर फ्रिज खोलती हूँ, देखती हूँ कुछ नहीं है, तो लगता है कि मेरे पास है कुछ खाने को, लेकिन कुछ खाने को होता नहीं है, तो फिर मैंने खुद से बना लिया नमक पारा, तो उसका भी वीडियो मैंने बना दिया, तो कुछ दिन में एक दो दिन में वो भी अपलोड करूंगी, और हो सके तो मैं इडली बनाना भी सिखाऊंगी,
और खाने के अलावा मैं फेस मास्क भी सोच रही हूँ अपने फैंस को सिंपल तरीके में बनाने के लिए सिखाऊं, तो क्योंकि अभी लॉकडाउन का तो पता नहीं कब तक चलेगा, और ये मास्क तो अभी मैंडेटरी हो गया और बाहर से लोग खरीद नहीं सकते हैं, ला नहीं सकते, तो मैं सोच रही हूँ कि घर में अपने ही कोई भी कपड़े से टी शर्ट हो या कोई भी चीज अगर उसको आप कट कर सकते हो तो उससे भी आप फेस मास्क बना सकते हो, तो मैं वो भी सिखाऊंगी। उर्वशी, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और कोई बाहर ही नहीं जा सकता। आधे से ज्यादा लोग इसको बोरियत समझ रहे हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे कि ये उन्हीं की भलाई के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहूंगा? मैं ऐसे लोगों के लिए सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि यार बोर क्यों हो रहे हो, उतने दिन से चाहते थे आप कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, फाइनली आपको टाइम मिल गया है, आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को निखार रहे हो ना, जो चीज आप बचपन से करना चाहते हो और आप पढ़ाई की वजह से या जॉब की वजह से नहीं कर पाए, वो चीज अब मिल गया ना आपको टाइम, तो आप वो चीज करो। लड़कियों को जिनको खाना बनाने नहीं आता वो खाना बनाना सीखो, स्टिचिंग सीखो, ये सब चीज है, अपने आप को ग्रूम करो, अपने आप में कुछ है। आप बॉयज लोग क्या घर में बैठे बैठे क्या सिर्फ वीडियो बनाओगे, टिकटॉक बनाओगे? आप लोग भी खाना बनाना सीखो, कुछ कुछ करना सीखो। तो ऐसा नहीं है कि घर में बैठे बैठे बोर होना यही एक चीज रह गया, बहुत कुछ है करने को। 24 घंटे होते हैं, 7 घंटे तो आप सोने में बिताओगे, तो बचे आपके पास 17 घंटे, तो 17 घंटे में बहुत कुछ है करने को। राइट, ऑल्सो जैसे आपने कहा मास्क बनाना चाहिए ना, काफी लोग इस बात की भी टेंशन ले रहे हैं जिसकी लेने की जरूरत नहीं है कि मास्क कहाँ से आएगा, सैनिटाइजर कहाँ से आएगा, कैसे हम अपने आप को स्वच्छ रखें, स्वच्छ रखने वाले अपने आप को कैसे भी स्वच्छ रख लेते हैं। लेकिन इस चीज पर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी एक्ट्रेसेस है, काफी सेलिब्रिटीज है आपकी तरह जो घर पे ही मास्क बना रहे हैं। मास्क तो जिनके पास मशीन नहीं भी होगा वो हैंड से भी चाहे तो वो स्विंग कर सकते हैं, बना सकते हैं, सिल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इतना छोटू सा तो होता है वो फेस कवर करने के लिए, इतना तो वो आप हाथ से सिल ही सकते हो, बना ही सकते हो। और जहाँ तक की रहा बात साफ सफाई की, आप अगर कर रहे हो तो साफ सफाई आप घर को हमेशा साफ करते रहो, साफ करते रहो, और बाहर के जितने भी लोग हैं उनको अंदर एंट्री मत दो, भाई आपके फैमिली है या जो भी, उनको हाथ जोड़कर बोलिए आप कि प्लीज आप हमारे घर पे मत आइए, अभी हम नहीं चाहते कि आप हमें डिस्टर्ब कीजिए, आप अपने घर पे सेफ रहिए, हम अपने घर पे सेफ रहते हैं, तो आधी प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा इग्नोर कीजिए बाहर से सब्जियां ये सब या कुछ भी हो, जितना हो सके घर के अंदर के स्टॉक को ही आगे बढ़ाइए, लेकिन अगर बाहर से आप ला भी रहे हो तो उस चीज को आराम से उसको पहले वॉश कीजिए अच्छे से, और आप भी अगर बाहर से आ रहे तो अपने मतलब सबसे पहले तो सामान आप ही बाहर से धो दो अच्छे से, और बाहर ही अपने शूज या चप्पल जो भी है वो बाहर छोड़कर खुद पहले बाथरूम में जाओ और खुद को पूरी अच्छे से साफ करो, तब घर में किसी को छुओ, यहाँ तक कि आप दरवाजा का नॉब ये सब कुछ भी मत छुओ। राइट, ऑल्सो उर्वशी, जैसे बहुत लोग ये बोल रहे हैं लॉकडाउन खत्म होते ही पहले मैं बाहर जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, लेकिन काफी लोग कह रहे हैं हम जंक फूड खाएंगे, लेकिन आपको तो वो भी नहीं, क्योंकि आप तो सारा खाना घर पे ही बना रही है, सारी जितनी भी आइटम जिसके लिए हम तरस रहे हैं वो आप घर पे बना रहे हैं, तो आप बाहर जाके सबसे पहले क्या करेंगी जैसे लॉकडाउन खत्म होगा? मैं तो फंस गई हूँ पटना में और मेरे मम्मी पापा गाँव में है, तो जैसे मौका मिलेगा मैं अपने मम्मी पापा के पास जाऊंगी, क्योंकि अगर मम्मी पापा के पास फंसी रहती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन फंस गई यहाँ पटना में तो बहुत प्रॉब्लम है मम्मी पापा के बिना रहना, क्योंकि एक तो टाइम मिला इतने मुश्किल से और मम्मी पापा के पास रहती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन वो भी अगर वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, अगर बाहर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तभी हम लोग मम्मी पापा के पास जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, नहीं तो खुद तो कोरोना से मरेंगे और अपने मम्मी पापा को भी ले डूबेंगे, ये हाल नहीं है जी। ऑल्सो हमने आपको काफी रियलिटी शोज नहीं, काफी स्टेज शोज जज करते हुए देखा बिग बॉस खत्म होने के बाद, उसके बाद हमने देखा कि आप कई इवेंट्स का हिस्सा बन रही है, फोटोशूट्स भी कर रही हैं, आप तो उर्वशी टर्न्ड मॉडल हो चुकी हैं, लेकिन उसके अलावा सिंगिंग में क्या क्या और चीजें हैं जो कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप शुरू करने वाली हैं? जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा मतलब कोरोना को पूरे जड़ से खत्म होना होगा उस चीज के लिए, तभी मेरा न्यू एल्बम लॉन्च होने वाला है, क्योंकि उसी के लिए मुझे बाहर जाना था और वैसे ही मतलब लॉकडाउन आ गया तो उसके वजह से मैं कर नहीं पाई शूटिंग, तो ये खत्म होते के साथ पहले अपना शूटिंग स्टार्ट करना है और अपने चैनल पे अपने सॉन्ग को लॉन्च करना। राइट, और जो फैंस आपका गाना बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं उनके लिए छोटा सा गाना तो गाना ही पड़ेगा आपको।
हाँ जरूर जरूर मैं गाऊंगी मैं गाऊंगी। आप अपने तरफ से कोई गाना कहना चाहेंगे? फैंस के लिए, वैसे फैंस जानते हैं कि आप जानते हैं कि ऐसा आप के ऐसा कीवानी के हैं, की वाणी you है know, ना, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा पैसा के कि पैसा बहुत की बड़ी बहुत फैन बड़ी है, तो फैन है, शाहरुख तो का कोई भी शाहरुख का गाना अगर कोई आप भी गाना अगर गुनगुना आप दें। गुनगुना दें। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है भूलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले यो ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है भूलना, ला 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 ला, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले यो ढोलना। मर जाना था ये भी नहीं था खोलना, ओ ढोलना ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। वाओ, आपकी आवाज सुनना हमेशा ही एक यू नो हमेशा ही प्लेजर एक होता है। प्लेजर होता ऐसे है। में एक ऐसे फैन में के एक कमेंट पे फैन के मेरी नजर कमेंट गई पे मेरी है, नजर गई है इंदीप आई थिंक इंदीप उन्होंने लिखा आई है थिंक लिखा है पंजाबी पंजाबी लुक, आज उर्वशी आज पंजाबी उर्वशी लुक में नजर पंजाबी आ लुक रही में हैं, नजर आ रही तो है। कोई स्पेशल स्पेशल तैयारी तैयारी की की है है आज आज उर्वशी उर्वशी ने ने इस इस पंजाबी पंजाबी लुक लुक के के लिए? लिए? हाँ नहीं ज्यादा स्पेशल लुक मतलब मैंने तैयारी नहीं की है, सिर्फ आपके साथ लाइव आना था इसीलिए इतना कुछ। आजकल ऑल्सो वैसे घर मैं पे बाल ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि बाल का केयर करना, क्योंकि पॉल्यूशन भरी दुनिया में आप केयर नहीं कर पाते हो, तो आजकल जी मैं बाल ऐसे ही रखे रहती हूँ, ब्रेड किए रहती हूँ बाल को, ताकि मेरे बाल जितना ज्यादा उतना कम गिरे, तो बाल ज्यादा जी मेरे गिर ही नहीं रहे। ऑल्सो अगर यू नो घर पे बहुत घर लोग पे अपने आप को बहुत लोग अपने मेंटेन आप को कर रहे हैं, मेंटेन कर काफी रहे हैं, लोग हैं काफी जो लोग कि हैं घर पे जो ही कि घर वर्कआउट पे कर रहे वर्कआउट हैं, कर अपने रहे हैं, स्किन का अपने ध्यान रख स्किन रहे का हैं, ध्यान रख सो रहे हैं। ऐसे में और ऐसे आप में क्या क्या आप चीजें क्या क्या ध्यान दे रही चीजें हैं ध्यान कि दे रही हैं घर पे घर हैं पे तो हैं बहुत तो ज्यादा बहुत ना ज्यादा ना खाएं, या खाएं, फिर या कुछ फिर ऐसा कुछ ना ऐसा खा ना ले खा ले बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा कि कि घर घर पे पे वेट वेट बढ़ बढ़ जाए जाए या या स्किन स्किन खराब खराब हो हो जाए, जाए, तो तो उन उन चीजों चीजों के के लिए लिए आप आप क्या 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 ध्यान ध्यान रख रख रही रही हैं, हैं, कोई कोई टिप्स टिप्स आप आप देना देना चाहें। चाहें। वेट वेट बढ़ने बढ़ने का का खतरा खतरा तो तो मुझे मुझे भी भी ऐसा ऐसा लग लग रहा रहा है है कि कि कहीं कहीं ना ना वेट वेट बढ़ बढ़ जाए, जाए, लेकिन लेकिन हाँ हाँ मैं मैं ज्यादा ज्यादा खा खा नहीं नहीं रही, रही, और और ऐसा ऐसा भी भी नहीं नहीं कि कि खाना खाना एकदम एकदम छोड़ छोड़ दिया, दिया, क्योंकि क्योंकि डाइट डाइट फॉलो फॉलो करना करना पड़ता पड़ता है है कि कि जितना जितना मतलब मतलब खाना खाना एकदम एकदम छोड़ने छोड़ने से से भी भी आप आप बल्की बल्की हो हो जाते जाते हो, हो, मोटी मोटी हो हो जाते जाते हो, हो, तो तो खाना खाना थोड़ा थोड़ा लिमिट लिमिट में में चालू चालू रहता रहता है, है, और और फेस फेस का का बोला बोला जाए जाए तो तो फेस फेस का का मैं मैं बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा केयर केयर करती करती हूँ। हूँ। मैंने मैंने अभी अभी भी भी फेस फेस पे पे कुछ कुछ नहीं नहीं लगाया लगाया, सिर्फ सिर्फ बेबी बेबी पाउडर पाउडर मैंने मैंने यूज यूज किया किया और और मैं मैं कुछ कुछ नहीं नहीं इसके इसके अलावा अलावा ना ना लगाता। लगाता। नेचुरल नेचुरल ब्यूटी ब्यूटी है है उरुषी उरुषी वाणी। वाणी। हाँ तो बस घर में रहकर बस आइस से रब करती हूँ अपने फेस को कॉटन में लगाकर, ताकि फेस, क्योंकि अभी जो वेदर चल रहा है ना मुंबई का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ जो अभी अचानक से इतनी गर्मी पड़ी है ना जिससे फेस बहुत रुखे हो रहे हैं, तो उसके वजह से एलोवेरा से मैं अपने फेस पे थोड़ा सा मसाज करती हूँ और आइस पैक से करती हूँ बस, और ज्यादा कुछ नहीं करती क्योंकि मेरी स्किन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। जी टच वुड कि आपकी टच स्किन वुड में टच प्रॉब्लम वुड आए भी प्रॉब्लम ना, आई भी लेकिन ना, फैंस ये भी टच वुड जानना चाहते हैं कि जाना आप चाहते यू हैं नो आप आपका जो जो सीजन आपका था जो बिग बॉस सीजन का, था कहीं बिग ना कहीं बॉस का काफी कहीं ना ज्यादा कहीं सक्सेसफुल काफी सीजन ज्यादा भी कहा सक्सेसफुल जाता है, सीजन अच्छा भी था कहा लोगों जाता को, है, काफी अच्छा था एंटरटेन लोगों को किया। काफी ऐसे एंटरटेन में किया। अपने ऐसे में बिग बॉस अपने के बिग बॉस के किन 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 फ्रेंड्स किन से आप फ्रेंड्स से आप यू नो बातचीत बातचीत करती करती हैं, हैं या या किन 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 फ्रेंड्स फ्रेंड्स से से अभी अभी टच टच में में हैं हैं आप? आप? मेरी मेरी सोमी सोमी से से बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा बात बात होती होती है, है, सोमी सोमी खान खान से से सबादी सबादी से से भी भी बात बात होती होती है, है, जसलीन जसलीन दी दी से से भी भी बात बात होती होती है, है, बाकी बाकी और और किन्हीं किन्हीं लोगों लोगों से से ज्यादा ज्यादा बात बात नहीं नहीं होती होती क्योंकि क्योंकि सभी सभी अपने 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 काम काम में में बिजी बिजी होते होते हैं, हैं, तो तो मैं मैं भी भी ज्यादा ज्यादा किसी किसी को को डिस्टर्ब डिस्टर्ब करना करना नहीं नहीं चाहती, चाहती, तो तो मैं मैं सिर्फ सिर्फ ज्यादा ज्यादा सोमी सोमी से से बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा बात बात करती करती हूँ, हूँ, और और सबादी सबादी और और जसलीन। जसलीन। राइट राइट ऑल्सो ऑल्सो अभी अभी हमने हमने हाल हाल ही ही में में देखा देखा था था जसलीन जसलीन जब जब एमएसके एमएसके के के घर घर में में गई गई थी थी उनसे उनसे शादी शादी करोगे, करोगे, तो तो आपने आपने काफी काफी सपोर्ट सपोर्ट किया किया था था उनको, उनको, उन उन पर पर काफी काफी चीजें चीजें बोली बोली जा जा रही रही थी, थी, तो तो उसके उसके पीछे पीछे का का क्या क्या किस्सा किस्सा था था कुछ कुछ बताएंगे? बताएंगे? शायद शायद संजना संजना गलरानी गलरानी थी, थी, मैं मैं नाम नाम लेने लेने से से डरती डरती नहीं नहीं कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल हो हो तो, तो, क्योंकि क्योंकि उन्होंने उन्होंने जो जो बयान बयान दिया दिया था था वो वो ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा कुछ कुछ कह कह रहा रहा था, था, उन्होंने उन्होंने खुद खुद छोटे 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 कपड़े कपड़े में में पिक्चर्स पिक्चर्स डाले डाले थे, थे, और और उन्होंने उन्होंने जसलीन जसलीन दी दी पे पे कमेंट कमेंट किया किया था था उसी उसी टाइप टाइप का का कि कि आपके आपके पैंट पैंट कुछ कुछ आपको आपको पैंट पैंट पहनना पहनना चाहिए चाहिए था था या या कुछ कुछ और और पहनना पहनना चाहिए चाहिए था, था, तो तो वो वो कमेंट कमेंट मुझे मुझे बहुत बहुत गलत गलत लगा लगा था था क्योंकि क्योंकि आप आप अगर अगर मैं मैं से से कोई नहीं शादी हूँ नहीं शादी करेगा, नहीं करेगा, हाँ हाँ आपसे आपसे कोई कोई शादी शादी नहीं नहीं करेगा करेगा ऐसी ऐसी लड़की लड़की से, से, अरे अरे यार यार मतलब 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 लड़के लड़के लोगों लोगों की की दिमाग दिमाग अगर अगर आप आप रीड रीड करना करना चाहोगे चाहोगे ना ना तो तो लड़कों लड़कों को को ज्यादा ज्यादा वैसे वैसे ही ही लड़की लड़की पसंद पसंद आती आती है है जो जो मॉडर्न मॉडर्न हो हो बहुत बहुत ज्यादा, ज्यादा,
ये नहीं कि एकदम पुराने ख्यालात की हो, वो भी पसंद आते हैं लोगों को, लेकिन अभी जैसा ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से अगर कोई अपने आप को ढाल रहा है तो वो कपड़ों सही से है। जज करना नहीं है, कपड़ों से राइट। जज नहीं कर सकते आप, और उनको हमेशा उस घर के अंदर कपड़ों से जज किया जा रहा था, तो मुझे वो चीज नहीं पसंद आ रहा था। अगर जसलीन दीदी कुछ गलत करती तो मैं वो उनके मतलब उनके अपोजिट में भी बोलती, लेकिन जसलीन दीदी तो कभी कुछ गलत करती ही नहीं है। मैं हमेशा देखती हूँ कि वो बहुत स्वीट है, वो कुछ गलत किसी के बारे में करती ही नहीं है ना बोलती है। राइट। सो जसलीन जी का तो जसलीन आपने जी का तो बहुत ही आपने बहुत ही अच्छे से तो अच्छे साइड से लिया है, साइड और जो लिया कि है, और जायज जो भी कि है, जायज भी उसके है, अलावा जिस उसके तरीके अलावा से जिस देश में तरीके इस वक्त से देश हालात में चल इस रहे हैं, वक्त लोग हालात काफी चल रहे लोग हैं, लोग लॉकडाउन का लॉकडाउन पालन का नहीं कर पालन रहे नहीं हैं, कर रहे हैं, बाहर लोग निकल रहे बाहर हैं, निकल रहे घूम हैं, रहे हैं, घूम और रहे उसके हैं, और अलावा जो उसके बातें हमें अलावा जो सुनने में बातें आ हमें रही सुनने है, में जैसे आ रही कुछ है, लोग जैसे कुछ लोग जानबूझ कर जानबूझकर स्प्रेड स्प्रेड कर कर रहे रहे हैं हैं कोरोना कोरोना वायरस वायरस को, को, ऐसे ऐसे में में आप आप क्या क्या कहना कहना चाहेंगे चाहेंगे इन इन चीजों चीजों पर? पर? मैं ये कहूंगी जो बिना मतलब के जो गली में घूम रहे ना, तो घूमते तो आवारा कुत्ते भी, राइट। बस समझदार को इशारा काफी है। अगर वो घूम रहे, अगर अपने आप को उस कैटेगरी में रखना चाहते तो इट्स ओके। अब उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो बाहर जाएंगे तो उनकी फैमिली बीमार पड़ेगी, और राइट। उनके फैमिली के वजह से फिर मतलब होता है ना, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। गंदा कर अभी देती वही है, अभी सिचुएशन चल रहा है कि एक पेशेंट, एक कोरोना पेशेंट से कोरोना अप्रोक्स 400 अबव मतलब लोग हो जाते हैं उसके, उससे संक्रमित हो जाते हैं, उस जी। इन्फेक्ट होते हैं उससे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार का भी और पूरे इंडिया के दुश्मन आप बन रहे हो। मैं तो सिर्फ इतना जान रही राइट। ऑल्सो जिस तरीके से काफी लोग पैनिक भी कर रहे हैं कि क्या ये अंत है दुनिया का, इसके बाद क्या होगा, काफी लोग घबरा भी रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत पैनिक हो रहा है कि शायद चीजें ठीक ना हो पाए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं निकला है, कोई सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का, तो कहीं ना कहीं हर इंसान में जरा सी जरा सा डर है, जरा सा घबराहट है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पैनिक ज्यादा नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत सेफली मैं घर के अंदर रह रही हूँ। यहाँ पटना में सिर्फ 3 रूम है और उसी 3 रूम में मैं रह रही हूँ। मैं ना नीचे जाती हूँ, इधर उधर कहीं नहीं ज्यादा मतलब होता है, तो मैं छत पे चली जाती हूँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ और बस यही काफी है। तो मैं ज्यादा पैनिक नहीं हो रही, क्योंकि आप लोग अपने घर पे रहोगे तो वो जड़ से खत्म हो ही जाएगी। और रही बात बाकी लोग भी अगर पैनिक हो रहे तो उनको भी ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहने चाहिए, क्योंकि एनजीओ लोग भी अपने काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, गरीबों लोगों को खाना खिला ही रहे हैं। तो राइट। मुझे नहीं लगता कि बाहर निकलने के लिए कुछ इनके पास कोई मेन रीजन है। और हाँ, ज्यादा अगर आपको इतना ही फल खाने के लिए क्रेविंग हो रही है और हरी हरी सब्जियां खाने के लिए क्रेविंग हो रही है, तो उनके साथ खरीद कर कोरोना भी लेके आ ही रहे हो आप, तो वो आपकी मर्जी। अब राइट। मैं इसमें क्या बोल सकती ऑल्सो उरुषी, अभी लास्टली जाते जाते व्यूअर्स जो देख रहे हैं आपको, या जो ये इंटरव्यू अपलोड होने के बाद देखेंगे, उन सबके लिए कोई एक मैसेज अगर आपको देना हो तो आप क्या कहोगे? मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि स्टे होम स्टे सेफ, इससे ज्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते। सारा कुछ कोरोना से बचने का जो भी गुरु मंत्र आप इसको मान लो, स्टे होम स्टे सेफ, बस और कोई बात ही नहीं है। जी। सो लॉकडाउन खत्म होते ही लॉकडाउन हम खत्म बहुत सारे होते ही आपके बहुत म्यूजिक सारे आपके वीडियोस देखने म्यूजिक वाले वीडियोस हैं, देखने वाले शूट्स हैं, देखने शूट्स वाले देखने हैं, वाले और हैं, आप और आप टिकटॉक तो टिकटॉक तो आजकल आजकल बनाते ही बनाते ही रहती रहती हैं। हैं। टिकटॉक हाँ, के बारे बहुत में क्या ज्यादा कहना क्या चाहेंगे कहना आजकल? चाहेंगे बहुत आजकल? आप बहुत आजकल आप हर कोई लोग रादर, हर क्योंकि कोई सब रादर फ्री हैं, तो क्योंकि सब टिकटॉक फ्री बहुत है तो बना टिकटॉक रहे बहुत हैं, बना उस रहे पर हैं। कुछ कहना चाहेंगी? अरे इधर ना डर गई थी, सभी लोग टिकटॉक को ऐसे मतलब बोल रहे थे टिकटॉक मत बनाओ मत बनाओ, तो इधर मैंने 2-3 दिन से छोड़ दिया था। फिर मैंने बोला नहीं यार, अगर टिकटॉक छोड़ना है सिर्फ जस्ट बिकॉज ये चाइनीज ऐप है, तो आप अपना फोन भी तोड़ कर फेंक दो, क्योंकि फोन भी तो आपके चाइनीज ऐप है, आप अपने ट्यूबलाइट्स जी फेंक दो, वो भी चाइना से ही आते हैं, तो टिकटॉक क्यों छोड़ना। राइट। सो उर्वशी, हम आपके टिकटॉक्स भी देखते रहेंगे, आप देखते कुकिंग रहेंगे, वीडियोस आपके भी वीडियोस डाल रही हैं वो भी डाल रही देखते हैं, रहेंगे, देखते एंड रहेंगे, होप कि एंड आप होप बहुत कि जल्द आप कोई बहुत एक जल्द कोई एक अपना अपना डे डे सीक्रेट सीक्रेट या या ब्यूटी ब्यूटी सीक्रेट सीक्रेट रूटीन रूटीन भी भी डालें, डालें, क्योंकि लोगों को वो हमें वो भी देखने को मिलेगा, को मैं वो भी देखने को अपना मिलेगा। स्किन केयर हाँ, रूटीन डालेंगी। रूटीन डालेंगे। हाँ जी, जरूर मैं डालूंगी, जी, तो थैंक यू जी सो मच थैंक यू उरुशी सो हमसे मच बात उनसे करने के लिए। बात करने के लास्टली लिए। फैंस को लास्ट कुछ कहना फैंस को कुछ चाहेंगी जो कहना चाहेंगे आपको जो हमेशा आपको लाइव आते हमेशा देखना लाइव आते चाहते हैं, देखना क्योंकि बहुत चाहते टाइम हैं, से आप बहुत शायद टाइम से लाइव आप आ शायद नहीं लाइव रही आ थी, नहीं क्योंकि रही आप थी, भी क्योंकि बिजी आप हैं भी बिजी ऑब्वियसली हैं खाना ऑब्वियसली बनाने में, खाना बट बनाने फैंस को में। कुछ कहेंगी? लव यू ऑल माय फैंस, क्योंकि आप ही से हम लोग होते हैं, आप लोग नहीं हो तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं है। एंड लव यू टू ज्योति, थैंक यू सो मेरी मच एंड आई लव यू होस्ट और दोस्त टू। ज्योति नाहक। जी।
थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड आई होप कि वो जो रेसिपी आप बना रहे हो वो मुझे भी खाने को मिले, कभी ना कभी तो खाने को मिले, एटलीस्ट जब तक लॉकडाउन खत्म हो उसके बाद एटलीस्ट मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि मैं खा पाऊँ वो रेसिपी। बट आई मस्ट से गाइस, जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं उर्वशी बहुत अच्छा खाना बनाती है, ये हम सब ने ऑलरेडी बिग बॉस में तो देखा ही हुआ है, लेकिन ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी है क्योंकि मुझे वो सौभाग्य नसीब हुआ है इनके हाथ का खाना खाने का। सो वो बहुत अच्छा खाना बनाती है एंड स्किन भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। सो आई होप कि स्किन केयर रूटीन और खाना और वीडियोस और गाने ये सब आते रहेंगे आपके लिए। सो आज यहाँ पे मूवीज अड्डा में उर्वशी ने प्रॉमिस किया कि वो एटलीस्ट बहुत जल्द यू नो वीडियोस जो है वो डालती रहेंगी, सो फैंस आप सब खुश रहेंगे डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच उर्वशी हमसे बात करने के लिए, एंड टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। आप लोग ज्योति की बातों को जरूर फॉलो करें और हमारी ज्योति और मैडम हम को दोनों भी की फॉलो बातों को करें। सीरियसली लें। हाँ, हमारे बातों को मतलब सीरियसली, जस्ट बिकॉज हम लोग हंस के बोल रहे हैं तो मजाक में मत उड़ा देना इस बातों को, हम लोग बस आपको चीयर अप कर रहे हैं, आप लोग हमारी बातों को जरूर जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच उर्वशी, बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर।